वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव था मैथ माधव। चलिए मैथ की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। जो लोग इस वीडियो पर डायरेक्ट आ चुके हैं वो लोग जाकर फर्स्ट वीडियो के ऊपर देख लेना कि हम इंट्रोडक्शन क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का, और साथ में इसके बाद एक वीडियो था हमारा डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड। उस वीडियो में हमने बता रखा कि डिस्टेंस फार्मूला में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं और उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की पकड़ कैसे बनाई जाए। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड, उस वीडियो को भी आप देख लेना फिर यहाँ पर आना। ये जो वीडियो है, यहाँ पर कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि हम यहाँ पर जितने भी एक्सरसाइज आपके उसमें जितने क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में उस क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जाए, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा सारे के सारे एक्सरसाइज को कई पार्ट्स में लेकर के आने के लिए। अभी यहाँ फर्स्ट पार्ट में वीडियो है और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हो पाएंगे उन सभी को वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को याद होगा, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। पूरा का पूरा ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है इसी फॉर्मूले में निपट जाएगा। तो इस फॉर्मूले को एकदम अच्छे से याद रखिएगा आप, और 10 क्वेश्चंस हैं, हम लोग कोशिश करेंगे फटाफट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और मैं मेरे मोबाइल में सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उस मोबाइल से आप क्वेश्चंस को देख रहा हूं। आप सभी भी आप लोग भी बुक्स लेकर के बैठ जाइए और क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहां पर कुछ पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आपको गिवन है। मैं बार बार कर रहा हूं, जिन लोगों ने भी इंट्रोडक्शन की वीडियोस नहीं देख रखी हैं वो लोग जाकर उस वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद यहां पर आइएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो यहां पर आपको दो पॉइंट्स गिवन है। क्या क्या पॉइंट्स गिवन है? 2, 3, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2, 3, और दूसरा पॉइंट है 4, 1। ये पॉइंट आपको गिवन है, ये आपकी लाइन है कोई, ठीक है। इस लाइन पर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, क्लियर। अब देखिए, आप हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है x1 - x2 y1 - y2, आप लोग के बुक में जो फॉर्मूला है वो कुछ अलग तरीके से लिखा है। उसने क्या लिख रखा है, x2 - x1 एंड y2 - y1। तो स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, इसमें जो पहला नंबर इसको मानते हैं हम x1 और इसको y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। आप सभी को पता है जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है, लेकिन यहां पर दो दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक इधर एक इधर, तो इसलिए हमने यहां पे x1 लिख दिया, इसको y1 लिख दिया कि ये पहला कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने 1-1 लगा दिया। ये दूसरा कोऑर्डिनेट, इसलिए हमने x2 y2 लिख दिया। तो ये मत समझना कि x2 y1 ये सब क्या आ गया, क्या साइन है, कोई साइन वाइन नहीं है। बस इसको समझने के लिए पहला कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, और इसको हमें सीधे सीधे क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकल जाएगी, पता चल जाएगी कितनी डिस्टेंस है। आप ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स बनाते थे, उस पॉइंट से आप कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते थे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है ये आपको इस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट, यहां रूट से घबराना नहीं है कि रूट में वैल्यू आ गई, रूट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा रूट का इसमें यूज नहीं है। आपको दिमाग में रखना कि अंदर वैल्यू पुट करके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो यहां से x1 - x2, जैसा कि हमें पता है ये x1 है, ये x2 है, तो हमने लिख दिया 2 - 4 x1 - x2, तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में 2 - 4 का स्क्वायर। नाउ साइन क्या है, प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया यहां पर। अगेन ब्रैकेट में y1 - y2, ये है मतलब 3 - 1, ब्रैकेट में 3 - 1 का ये स्क्वायर हो गया। आपको याद कैसे रखना है, सीधे कि ये पहले नंबर को पहले नंबर से माइनस करना है, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करना है, और बीच में साइन प्लस का है, और उन दोनों का स्क्वायर कर देना है। इतना सा काम कर लेंगे आप, आपका काम खत्म। और ये रूट लगाना नहीं भूलना है, 2 - 4 आपको आना चाहिए, 2 - 4 = -2, -2 का स्क्वायर,
प्लस थ्री माइनस वन मतलब टू, टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर हो या प्लस टू का स्क्वायर हो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। जब भी हम माइनस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मतलब कि माइनस टू का दो बार मल्टीप्लाई, देन टू टू जब फोर, एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जब भी करोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। देन माइनस टू का स्क्वायर भी फोर होगा एंड प्लस टू का स्क्वायर भी फोर होगा, ये दोनों वैल्यू अंडर रूट में है और रूट में ये वैल्यू आ गई एट। नाउ अब देखिए, आप लोग बुक में रूट एट आंसर नहीं दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है टू रूट टू, टू रूट टू गिवन है। इसका मतलब ये कैसे हमने टू रूट टू रूट एट को टू रूट टू कैसे लिख दिया, तो रूट एट को हमने सिंप्लीफाई किया है। रूट एट कोई स्क्वायर रूट तो है नहीं कि बाहर आ जाए, अगर रूट फोर होता टू लिख देते, रूट नाइन होता थ्री लिख देते, रूट सिक्सटीन होता तो हम वहां पर फोर लिख देते, लेकिन रूट एट किसी का स्क्वायर तो नहीं है नंबर ना, मैं बोलूं एट किसका स्क्वायर है, तो कोई ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, रूट एट है तो हमने एट को फैक्टराइज किया, तो टू फोर जा, टू टू जा, टू वन जा, मतलब कि रूट एट को हम क्या लिख सकते हैं, तीन बार टू लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे इसको एरेज करूं, मैंने रूट एट को क्या लिख दिया, अंडर रूट टू इंटू टू इंटू टू। अब आपने अगर क्लास नाइन्थ में हेरोन फॉर्मूला पढ़ा हो अगर, तो आपको याद होगा जो पेयर में नंबर बनते हैं रूट के अंदर वो सिंगल डिजिट के रूप में बाहर आ जाते हैं, मतलब कि हम इस रूट टू को जो ये पेयर बना है ये टू बाहर आ जाएगा और अंदर एक रूट टू बचेगा, तो इस वजह से हम रूट एट को टू रूट टू लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? तो यहां जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अगर वो उसके आगे भी रूट की वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नहीं हो सकती तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो चलें सेकंड क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। आपके बुक में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस वन माइनस थ्री, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहां पर माइनस फाइव एंड सेवन एंड सेकेंड पॉइंट इज माइनस वन एंड कॉमा थ्री। अब यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है वो होती है साइन की, कि अब आ गया प्लस और माइनस, कैसे करें इसको, हम लोग साइन समझ ही नहीं आ रहा है, साइन रूल नहीं पता है कि माइनस माइनस को माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्या करेंगे। तो अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो मेरे पास एक साइन रूल का एक वीडियो है, उसको जाकर के आराम से देख लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें साइन रूल का वीडियो भी देखना नहीं पड़ेगा, इसी को जरा सा समझ जाओ। सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, एक्स वन माइनस एक्स टू, मतलब कि पहले वाले नंबर को पहले से माइनस करना है और दूसरे वाले नंबर को दूसरे से माइनस करना है। फॉर्मूला याद हो गया ना? अब हमें फॉर्मूला दिमाग में रखना ही नहीं है, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से माइनस करना है, ये दिमाग में रखना, नहीं तो खोजते रहोगे ऐसे एक्स वन कहाँ है, एक्स टू कहाँ है, वाई वन कहाँ है, वाई टू कहाँ है, खोजोगे। इससे बड़े दिमाग में रखो पहले को पहले से माइनस, दूसरे को दूसरे से माइनस करना है। और फॉर्मूले में याद रहे कि पहले को माइनस करना दूसरे से, मतलब कि माइनस फाइव को माइनस करना है माइनस वन से। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से देखो, भी लिखा हुआ है माइनस फाइव को माइनस करना है, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, किससे, माइनस वन से, माइनस वन से। जैसे ही माइनस के बाद अगर ये वाला नंबर जो एक्स टू है वो माइनस में हो तो तुरंत यहां पर एक ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट लगा दिया। और ये थोड़े समझदार लोग हैं, बिना ब्रैकेट का भी काम चला सकते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नाउ प्लस, अभी तुम्हें पता है इस पूरे नंबर का ये होल स्क्वायर है, अब छोटा ब्रैकेट लगाया तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इस पूरे नंबर का होल स्क्वायर है। नाउ प्लस, हमने प्लस लगा दिया, फिर से हमने वही किया, क्या है वाई वन माइनस वाई टू, सेवन माइनस थ्री, देन सेवन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसमें कोई साइन वन का दिक्कत तो है ही नहीं। अब यहां पर जरा देखो, रूट यहां पर बना लो सुंदर सा एकदम, माइनस फाइव, हमने माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, प्लस वन हो गया। इस पूरे को ब्रैकेट में क्लोज किया और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। नाउ इसको भी देख लेते हैं, सेवन माइनस थ्री तो डायरेक्टली कर सकते, सेवन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, फोर का स्क्वायर हो गया ये, क्लियर। नाउ दिस माइनस फाइव एंड प्लस वन, जब भी साइन डिफरेंट होता है एक माइनस एक प्लस, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, पांच से एक चला गया कितना बचा, फोर, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले नंबर का, माइनस, माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, ये रूट लगाना आप लोग मत भूलिएगा, रूट लगाते रहिएगा। नाउ माइनस फोर का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, मैंने पहले से भी बता रखा था आपको, माइनस हो या प्लस हो उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होगा,
प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 16, और ये वैल्यू रूट के अंदर, और ये 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32, बट आपके बुक में आंसर 32 नहीं लिखा हुआ, वहां पे क्या लिखा होगा बताते हैं। 32 को फिर से क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, 2 से करोगे 16 बार में, 2 से करोगे 8 बार में, 2 से करोगे 4 बार में, 2 से करोगे 2 बार में, 2 से करोगे 1 बार में, 2 2 2, मतलब कि जरा देखो यहां पर पेयर बना 2 का, यहां भी पेयर बना 2 का, और 2 अंदर बच गया, मतलब कि रूट 32 को तुम लिख सकते हो अंडर रूट 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यहां पे 2 का पेयर बना, ये रूट से बाहर आ गया, फिर ये 2 का पेयर बना, ये भी रूट से बाहर आ गया, और इन 2 में दोनों नंबर्स होंगे, और अंदर कौन बचा, 2 बचा, क्यों यही बचा ना, अंदर अंदर केवल एक नंबर बच रहा है, तो इसको हमने अंदर की तरफ लिख दिया यहां पर। अब यहां 2 2 जा कितना हो गया 4 रूट 2, मतलब कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 4 रूट 2 आ रहा है, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कहां गया, 4 रूट 2 होगा। इतना क्लियर आप लोगों को, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कई पार्ट में वीडियोस को लेकर के आएंगे, आप लोग समझते समझते रहिए इन चीजों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आपको गिवन है बुक में, जरा बुक को देखिए आप लोग, उसमें कोई नंबर्स नहीं गिवन है, उसमें बस आपको वेरिएबल गिवन है ए बी के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को वेरिएबल्स का कैलकुलेशन आना चाहिए कि x प्लस एक्स कितना होता है, x इंटू एक्स कितना होता है, x डिवाइड बाई x कितना होता है, कैसे हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो जा करके इसको फिर से मेरे बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो को देखिए। अब यहाँ पर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया है 2 क्वाड्रेंट्स गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ए कॉमा बी, यही दिया है ना, ए कॉमा बी, चलो सेकेंड क्वाड्रेंट इज माइनस ए कॉमा माइनस बी, दिस सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी मानते थे ये पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी है ये, अब इन दोनों क्वाड्रेंट मतलब सॉरी क्वाड्रेंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहां पर जा देखो, अगर वैल्यू ए बी, ए बी एस टाइप में दी हुई है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आंसर भी कैसा आएगा, इसी के फॉर्म में आएगा, कोई नंबर नहीं ना आ जाएगा कि ए बी रखे कोई नंबर 2, 4, 5 तो नहीं आ जाएगा ना, इसी के फॉर्म में आएगा, तो हमें इसमें परेशान नहीं हो रहा है, बस सिंपल जो तुम्हारा फिनोमेना है जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करना है, और सिंपल जो बेसिक कैलकुलेशन है जो वेरिएबल्स के साथ जैसा हम डील करते हैं वैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे x y लेके चलते हो वैसे यहाँ पे a भी आ गया, पहले वाले को पहले से माइनस, दूसरे वाले को दूसरे से माइनस, यही तो बताया था मैंने, यही करना है सिंपल सा, फिर से वही रूट बनाओ, रूट बना दिया, पहले वाले को मतलब a को माइनस a से माइनस करना है, तो जरा देखो a को माइनस करना है माइनस a से, और हमें पता है कि और इन दोनों का स्क्वायर भी करना है, ये पता चल गया सभी को ठीक। सेकंड है b को माइनस करना है माइनस b से, बीच में प्लस का साइन है फॉर्मूले में, हमने क्या किया b को माइनस करना है माइनस b से, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, कितना शानदार सा बन रहा है ना, देखो जरा a यहां पर है, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है ना, ये क्वाड्रेंट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, अगर आपकी कोऑर्डिनेट आपका कैलकुलेशन अच्छा है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसमें एक फॉर्मूला सेक्शन में आएगा, पूरी की पूरी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री इसी में धरी की धरी रह जाएगी, अगर फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तब प्रॉब्लम हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, इसका हो गया ये होल स्क्वायर। नाउ प्लस यहां पर जब आओगे माइनस, ये बी है माइनस माइनस यहां भी प्लस, ये बी हो गया स्क्वायर, ए प्लस ए जैसे हम लिखते हैं ना एक्स प्लस एक्स कितना होता है, कोई बोलेगा एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कोई बोले तो अपने आप को थप्पड़ ही मान ले, यहां पर ए प्लस ए जब एक्स प्लस एक्स बोलते हैं तो एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x होता है, सेम वैसे ही a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b प्लस b का मतलब क्या हुआ 2b हो गया, दिस इज 2b का होल स्क्वायर। कुछ भूलना नहीं यार, कई बार बच्चे क्या करते हैं स्क्वायर ही भूल जाते हैं, कई बार रूट लगाना भूल जाते हैं, तो ये चीजें भूलना नहीं है, बड़े ही आराम से चलना है, क्योंकि यहां पर रूट भी चल रहा है स्क्वायर भी चल रहा है, 2a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखो यहां मल्टीप्लाई है, 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, नाउ यहां भी क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, आप लिखने को यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन कोई बोले कि क्या हम इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं यहां पर आइए,
इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो 4 कॉमन हो सकता है, हो सकता है कॉमन। हमने 4 कॉमन ले लिया, देखो इसके बाद स्टेप्स यहां पे चल रहे हैं, इसको देखना यार। 4 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 कॉमन लेने का मतलब कि सबको हम 4 से डिवाइड कर दिए, ये भी गया ये भी गया, काम खत्म हो गया। ठीक, अब केवल 4 कॉमन हुआ, ये मल्टीप्लाई में है और आपको पता है कि 4 अगर रूट में कहीं पर है तो रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। बारिश बहुत तेज हो रही है, चलिए अब रूट 4 को हम रूट से बाहर कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आपको पता है कि रूट 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 into 2, और इधर इंटू में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो है। मैंने कहा था जो भी नंबर पेयर में होगा वो सिंगल डिजिट में बाहर आता है, तो 2 बाहर आ गया और अंदर कौन बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड माइनस ए एंड माइनस बी। ओके, इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके जो बेसिक कैलकुलेशंस थे, ठीक है, मैंने यहां पे तीन क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करा दिया कि हम इसमें आखिर कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। अब आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें आपको 2-3 चीजों से डील करना होगा। किन चीजों से, आपको x1 y1 खोजना होगा, x2 y2 खोजना होगा। ये चीजें अगर आपको मिल जा रही है, सीधे वैल्यू को क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ जगहों पर आपको इक्वेशंस बनाने होंगे और कुछ वर्ड्स आपको क्लियर होने होंगे कि भाई इस वर्ड्स का मतलब क्या है, लाइक कोलिनियर वर्ड्स क्या होता है, व्हाट इज कोलिनियर, ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पे सारे के सारे उन प्रॉब्लम्स को डील करेंगे और इसको सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देन स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन इज, अपने बुक में देखिए जरा, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्क्रीन पर भी दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको पॉइंट्स गिवन होता था, यहाँ पर अब क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन के माध्यम से मतलब एक वर्ड्स प्रॉब्लम के माध्यम से आपको क्वेश्चंस दे रहा है। तो आपको उसे घबराना नहीं, डरना नहीं है, केवल आपको खोजना क्या है, आपको 2 पॉइंट्स खोजने हैं। ठीक है, एक पॉइंट अलग खोजना है, बस आपका काम खत्म। जैसे यहां पर दिया हुआ आपको 2 पॉइंट्स है, तुरंत आप क्या किया करिए, एक लाइन ड्रॉ किया करिए। लाइन ड्रॉ हो गई, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखिए लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0, मतलब पहला पॉइंट क्या है, 0 0। अब इसमें परेशान नहीं होना कि सर 0 इधर ही लिखे इधर ही लिखे, किधर भी लिख लो तुम पहले पॉइंट को। ठीक, एंड सेकंड पॉइंट जी 36 एंड 15 है, 51 नहीं है, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, मैंने इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का तुम्हें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसमें हम डिस्टेंस फाइंड आउट आखिर कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, ये भी हमारा क्या हो गया, मैंने क्या किया, इसको इससे माइनस, दूसरे को दूसरे से माइनस, सिंपल है ये। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक और सिंपल सा फॉर्मूला इसमें है, 0 0 का मतलब क्या होता है, 0 0 हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहां पर होता है, एग्जैक्ट ओरिजिन पर होता है। एक्स भी 0 यहां पर होता है और वाई भी यहां पर 0 होता है। इसका मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये पॉइंट कहीं पर होगा, हो सकता है यहां पर हो, यहां पर कहीं पर भी हो, तो हमें डिस्टेंस जो पता करना है वो ओरिजिन से पता करना है कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो हम उसको पता करेंगे। तो इसके लिए भी फॉर्मूले में तुम इस वैल्यू को रख सकते हो, और इसके लिए एक फॉर्मूला और हमारे मैथमेटिक्स बुक में दिया हुआ है कि जब आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना कि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल सा, इसी फॉर्मूले से अपना अलग नहीं बना हुआ है। देखो x1 और y1 0 है, मतलब x1 और y1 0 हो गया तो बचा क्या, x2 और y2 बचा ना। अब x2 y2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 प्लस y2, बस इतना सा आपको करना है। मतलब कि जो वैल्यू आपको गिवन है 36 और 15, यही आपकी x हो गई और यही आपकी y हो गई। तो सीधे से हम क्या लिख देंगे यहां पर, x2 का मतलब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो गया आपका नंबर। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296 प्लस 15 का 225 हो गया। इन दोनों को आपस में हम ऐड कर दें, अब कितना हो जाएगा 1521, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39।
1521 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो देखोगे 39 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। इसको आप लोग कर लेना, आप लोग आई थिंक आप लोग को आता होगा स्क्वायर रूट निकालना, नहीं आता मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ फिर से देख लो। जैसे 15 एंड 21 इसको हमें करना है, तो हम फैक्टराइज कैसे पता चले कि 39 आएगा, तो जिसको नहीं आ रहा है वो लोग देख लो, बाकी लोग इसी पर के आगे बढ़िए। तो हम क्या करेंगे इसको, ये किससे कट होगा, 5, 6, 7, 8, 1, 9। जब नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं, अगर वो 3 के टेबल में नंबर आ रहा है इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से किया हमने, 3 5 15 हो गया, 3 7 21 लेकिन ये होगा 507, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा। नाउ 3 डिवाइड करने आता है ना, ये मैं सोचता 0 कहाँ से आ गया, अगर ऐसा लगता है कि 0 कहाँ से आ गया जाके फिर से कैलकुलेशन की वीडियोज को देखो। नाउ 3 से फिर से करेंगे हम लोग, 3 1 जा 3 1 जा 3, 4 5 2 बचा 20, 3 6 जा 18, ठीक है 18 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 3 9 जा 27, और तुम्हें पता है 169 13 का स्क्वायर है, 13 से 13 बार में जाएगा एंड 13 जो है 13 से जाएगा 1 बार में। नाउ देखो यहाँ पर मतलब कि हम रूट 15 21 को क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 13 × 13। और मैंने कहा था कि जो पेयर में नंबर्स होते हैं और पेयर से बाहर आ जाते हैं, तो ये 3 बाहर आ गया और ये 13 इधर भी बाहर आ गया और अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो रूट गायब हो गया एंड 13 3 जा 39, तो ये 39 आपका आंसर आ गया। कि यहाँ से ओरिजिन से, ओरिजिन कहाँ गया, ओरिजिन बिठा दिया मैंने, तो ओरिजिन से उस डिस्टेंस के बीच, उस पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो रूट 39 होगी। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमें मीटर वीटर नहीं लिखना है, कोई यहाँ पे यूनिट क्यों लिखना, 39 यूनिट कुछ यूनिट होगी, अगर मीटर में वैल्यू होगी तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, चलते जल्दी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अपनी बुक में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन गिवन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर देखो जरा, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है, कितने पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स लिखते हैं हमने, पहले पॉइंट्स लिखते हैं फिर बताता हूँ कोलिनियर होता क्या है। पहला पॉइंट है 1.5, सेकेंड पॉइंट मान लो यहाँ कहीं पर है बी, वो है 2.3 एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर सी मान लो वो है -2, -11, ये है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, देन व्हाट इज द कोलिनियर, वो कोलिनियर होता क्या है, कोई पॉइंट कोलिनियर कब होगा। देखो अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर वो एक सीधी रेखा में हैं तब उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक, ये तो बोलते हैं, अगर सीधी रेखा में नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। जैसे यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ की, अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट टच नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, अब ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो इससे ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, एक पॉइंट इधर गया, एक लाइन इधर गया और एक लाइन इधर आया, ट्रायंगल बन गया। लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट्स होगा तो हम ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं, अगर 3 पॉइंट एकदम सीधे सीधे हैं कैसे ट्रायंगल बन पाएगा, सीधे तो जा रहा है ना, हमें 3 अलग अलग पॉइंट्स होंगे या 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स ऐसे चलेगा, लेकिन तीसरा पॉइंट वहां से थोड़ा सा अलग होना चाहिए तभी एक ट्रायंगल बन पाएगा। ये तो बात हुई थ्योरी की, लेकिन यहां कैसे प्रूफ करेंगे यार कि ये कैसे, तो ध्यान से देखो, यहां पर कोलिनियर जब भी लिख करके कहीं आएगा कि कोलिनियर, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर अगर ये पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, तो हम पहले इस ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्लियर, उसके बाद इस बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बीसी, उसके बाद इस पूरी वैल्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए सी, इस बड़ी लाइन का, इतना निकालने के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि जो ए बी होगा, ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो बीसी के डिस्टेंस से जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ऐसा हुआ तब बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब ध्यान से देखो ना, पूरी ए सी लाइन यही तो है,
अगर हम ए बी और बी सी को ऐड कर दें तो ए सी ही तो बनेगा ना पूरा पूरा। तो यही काम करना हमें, हम ए बी के डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी के डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस ए सी के डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। तो जाहिर सी बात बराबर तो होगा ही ना। जैसे अगर यहाँ पे मान लो कोई अभी के लिए मान लेते हैं कि ये पाँच है, ये वाला डिस्टेंस सात है, तो पूरी पूरी ए सी की डिस्टेंस कितनी होगी? पाँच और सात को ऐड कर दो, कितनी होगी? बारह होगी। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, पाँच प्लस सात तो बारह यहाँ भी हो रहा है और ए सी पूरा बारह है, तो बारह इक्वल टू बारह, मतलब कि कोलिनियर पॉइंट है। तो अब हमें यही चीज़ प्रूफ करना है, हमें ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और ए सी चाहिए। ए बी चाहिए हमें, फिर बी सी चाहिए हमें, उसके बाद ए सी चाहिए हमें। ए सी की तो बहुत ज़रूरत है, ठीक है, ये तीन चीज़ चाहिए हमें। अब जो है इन तीनों को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो फटाफट जरा हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, तो आओ जरा देखें, हम फटाफट डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे? ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, फिर वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। सीधे कैसे करोगे? इसको माइनस इससे करना है और इसको माइनस इससे करना है। तो वन का माइनस टू से, तो वन माइनस टू कितना हो गया? वन माइनस टू का स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या है यहाँ पे? वन माइनस टू का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? फाइव को माइनस करना थ्री से, नाउ प्लस फाइव माइनस थ्री का स्क्वायर। इतना क्लियर? अपराबर लिखते हैं, वन माइनस टू कितना होगा? वन माइनस टू मतलब माइनस वन का स्क्वायर, प्लस फाइव माइनस थ्री का मतलब टू का स्क्वायर। ये हो गया, तो वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा और टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, टोटल फाइव हो गया। अब आपको पता है सारी वैल्यू रूट के अंदर चल रही है, तो ये रूट लगाना मत भूलना, मत भूलना। अभी तो मान लो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रूट फाइव मतलब कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी इज इक्वल टू रूट फाइव। कितना आसान है ना, फटाफट तुरंत मिटाते हैं, अगले पे चलते हैं। ए बी वैल्यू आ गई रूट फाइव। ए बी के बाद हम बी सी पर आते हैं कि बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज बी सी, बी सी की वैल्यू। अब इस चीज़ को मिटा दो, ये जो अभी तुमने लिखा था ऐसे ये हटाओ। अब क्या करना है? ये फाइव भी हटाओ, नहीं तो कहीं फाइव को क्वाड्रेंट ले लोगे, सेवन को भी हटा देते हैं। अब देखो बी और सी, तो टू को माइनस टू से, थ्री को माइनस इलेवन से, क्या करना है? माइनस करना है। तो देखो फिर से लिखते हैं हम, अंडर रूट टू को माइनस टू से माइनस करना है, टू को माइनस करना है माइनस टू से। अब देखो टू को माइनस करना है माइनस टू से, तो ऐसे तो माइनस नहीं लिखोगे ना, इसको ब्रैकेट में कर लो। अब इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। प्लस थ्री को माइनस करना है माइनस इलेवन से, तो थ्री को माइनस करना है माइनस इलेवन से, इसको भी ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा दो। इतनी बात क्लियर हो रही? नाउ यहां पर हो गया टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? टू, टू प्लस टू का ये स्क्वायर, प्लस यहां भी क्या करते हैं हम? थ्री माइनस माइनस प्लस इलेवन का होल स्क्वायर। नाउ टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर स्क्वायर, प्लस थ्री एंड इलेवन इज इक्वल टू फोर्टीन स्क्वायर, मतलब कि फोर्टीन का होल स्क्वायर है और ये सारी वैल्यू रूट के अंदर है। नाउ फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस फोर्टीन का स्क्वायर क्या होगा? वन नाइन्टी सिक्स। और ये पूरी वैल्यू आ गई अंडर रूट टू वन टू। ये किसकी वैल्यू आ गई? बी सी की वैल्यू आ गई। बी सी इज अंडर रूट टू वन टू, 212 आ गया। इसको इरेज करें, समझ में आ रही बात है सब? ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको भी हटाते हैं अब। चलो अब जो लास्ट पॉइंट है जो वो है ए सी। ए सी की डिस्टेंस कितनी है? अब देखो जब हमें ए सी निकालना है ना, तो हमें इस पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें इन दोनों पॉइंट से मतलब है, ए पॉइंट और सी पॉइंट, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो हमें क्या करना है? वन माइनस माइनस टू, फाइव माइनस माइनस इलेवन, ये काम करना है। तो वन माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस माइनस इलेवन का होल स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू बच्चों रूट के अंदर है। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया? फिर से रूट वन माइनस माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? फाइव
माइनस, और माइनस क्या होगा फिर से, प्लस 11 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 11 एंड 5 मीन्स 16 स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर है। ये चीज नहीं भूलना है, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16 स्क्वायर इज 256, दिस इज अंडर रूट 265, 265। मतलब कि ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 265। अब आप खुद देख सकते हो क्या रूट 5 और रूट ये ए बी और बी सी को आपस में ऐड करें तो क्या वो 265 के इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर हम लिखा है कि ए बी प्लस बी सी मतलब कि रूट 5 प्लस रूट 212 इज नॉट इक्वल टू रूट 265। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये नॉन कोलिनियर लाइन है, एक कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। क्लियर है सारी चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, चेक वेदर 5-2 एंड 6.4 एंड 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है कि ये सब के सब आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो ये कैसे प्रूफ होगा? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है और हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन में अब दे दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप तुरंत एक ट्रायंगल बना लो। कभी लिख दे कि क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। ये ट्रायंगल है, हमने इसको लिख दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया हमने। क्लियर, और इतने कोऑर्डिनेट्स को भी लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। 5-2 ये मान लो ये ए वाला कोऑर्डिनेट 5-2 है और ये जो है वो 6.4 है और जो लास्ट है 7-2 है। ये आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि चेक वेदर दिस दिस दिस, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स का मतलब जहाँ ये सब क्या है, ये वर्टेक्स ही तो है। ये क्या है वर्टेक्स, जहाँ दो लाइन मिलती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मिल गई वो वर्टेक्स हो गया। वो तो कह रहा कि वर्टेक्स है, मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। अब देखो जरा अभी इसके वर्टेक्स होंगे कैसे, इसको हम कब बोलेंगे इसके वर्टेक्स हैं, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, कोई भी दो साइड, ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये दोनों इक्वल हो जाएं, कोई दो साइड की लंबाई अगर इक्वल हो गई तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर इक्वल नहीं हुई तो बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल ये नहीं है। तो हमें यही चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी लंबाई पता करेंगे। अगर इसकी लंबाई के बराबर हो गई या इसकी लंबाई के बराबर हो गई या किसी भी दो साइड की लंबाई आपस में बराबर हो गई तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है चलो जरा देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम क्या करें, तीन लाइन यहाँ पर है ए सी, ए बी और बी सी, तो तीनों की हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तीनों के लिए। फटाफट निकाले ना, चलो निकालते हैं फटाफट डिस्टेंस यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लो जरा, पहले हम क्या करते हैं ना, ए बी का निकालते हैं डिस्टेंस, ए बी का निकालते डिस्टेंस। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सारी वैल्यू भी, जो भी वैल्यू आएगी उसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर इसके खोपड़ी पर ही लिख देंगे। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं पहले कि ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। अब ए बी लाइन ये है तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट ये है 5 और इसका क्या है 6, तो 5-6 मैंने अभी बताया था ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसका कोऑर्डिनेट ऐसे सीधी लाइन बना दो जिससे तुम्हें आसानी रहे। इधर लिखा हुआ है 5-2 और इधर क्या लिखा हुआ है 6.4, यही लिखा हुआ है ना, इसी को तो करना है। चलो इस पहले वाले को माइनस पहले से करना, दूसरे को माइनस दूसरे से करना है, तो फॉर्मूला क्या हमारा अंडर रूट 5 को माइनस करना 6 से, 5-6 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 2 को माइनस करना है 4 से, तो कैसे लिखेंगे, 2 को माइनस करेंगे 4 से, इसका भी स्क्वायर हो गया। फिर से अंडर रूट 5-6 कितना हो जाएगा, 5-6 -1 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -6 का स्क्वायर। दिस इज 1 का स्क्वायर, 1 6 का स्क्वायर 36। अब कहोगे सर प्लस कैसे आएगा, जब यहाँ पर माइनस है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये देखो मैंने बताया था माइनस का जब स्क्वायर करते हो प्लस हो जाता, तो ये वैल्यू प्लस में हो गई बेटा,
तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस 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 होता है, तो 36 एंड 1 हो गया अंडर रूट 37, मतलब कि ये वाली लंबाई आ गई अंडर रूट 37, ठीक है। तो चलते हैं, अब ए बी हो गया, हम निकालते हैं बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो बी सी की वैल्यू निकालते हैं, इसे इरेज कर दें फटाफट। चलो ए बी हो गया, ऐसे देखो सिंपल एक ही चीज़ है, डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स वन एक्स टू मिलना चाहिए, वाई वन वाई टू होना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर हो गई तो फिर क्या बात है। अब किसकी वैल्यू निकाले, बी सी की वैल्यू, चलो बी सी निकालते हैं। अब देखो बी सी लाइन तो ऐसे है, ये 7 को माइनस करेंगे 6 से, फॉर्मूला याद है ना, इसीलिए करो फॉर्मूला एकदम याद कर लो, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, दूसरे वाले को माइनस करेंगे दूसरे वाले से, मतलब माइनस 2 को माइनस करेंगे 4 से, नाउ प्लस माइनस 2 को माइनस करेंगे 4 से, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, फिर 7 माइनस 6 कितना हो गया, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस 2 माइनस 4 हो गया माइनस 6 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, दिस इज अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में, और हो गया अंडर रूट 37, मतलब कि इस BC की वैल्यू ही 37 आ गई है बच्चों, 37, तो 37 दो साइड तो इक्वल हो गए, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, कहीं तीनों ना इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल नहीं होगा, जब आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो आइसोसेलेस ही होगा। तीसरा भी निकाल के देख लेते हैं, AC की वैल्यू, जो AC है उसकी भी वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। AC इज इक्वल टू, फिर वही चीज़, एक ही बात बार बार, लाइन पे लिख दो इसको मैं, चलो अगर मान लो ये लाइन है, ये A है, ये C है, तो A की वैल्यू है 5, -2 और C की वैल्यू है 7, -2, यही तो है। पुट करते हैं, 5 को माइनस करेंगे 7 से, देन 5 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस -2 को माइनस करेंगे -2 से, इसको ज़्यादा ध्यान से देखो, -2 को माइनस करेंगे -2 से, इसको क्या करोगे, ब्रैकेट में लोगे, -2 को माइनस करेंगे -2 से, जब ऐसे बोल के करोगे ना साइन का डिस्टर्बेंस, गलतियाँ नहीं होंगी। नाउ अंडर रूट 5 - 7 मतलब -2 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2 लिख देते हैं अभी, -2, अरे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस -2 और +2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, दिस इज 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, मतलब ये गायब हो गया, बचा क्या, केवल बचा रूट में 4, ये सारी वैल्यू रूट में चल रही है, ये मैं समझना रूट से बाहर भग गया, रूट 4 की वैल्यू तुम्हें पता है 2 होती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक। तो अब तुम्हें पता है, दिख गया ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पक्का, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो ये तो आपका हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देख लेते जरा फटाफट। स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपके जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इसमें आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, जो पिक्टोग्राम टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्लास रूम, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी, ये मानो क्लास रूम है, ए बी सी डी पर 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो कहाँ पर कैसे बैठे हुए, वो ध्यान से उसको देखना, ग्राफ भी देखते रहो, यहाँ पर मैं एक बार स्क्रीन पर भी वो ग्राफ तुम्हें दे देता हूँ, उसको भी जरा ध्यान से देख लो। अब इसमें लिखा हुआ है चारों के चेहरे बने हुए हैं, इसमें कोई ए पे बैठा है, बी पे बैठा है, सी पे, डी पे बैठा हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, चिमली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड द करेक्ट आंसर। चमेली जो है ना, चंपा, चंपा करी ना, कौन कह रहा है, हाँ चंपा ने बोला कि ये स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री हो गई, ठीक। तो ये तुम्हें बताना है कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं, क्या ये स्क्वायर हैं या नहीं है स्क्वायर। अब इसको कैसे करोगे, मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में बता रखा है कि किसी भी स्क्वायर को अगर उसके 4 पॉइंट्स हैं, मतलब ये स्क्वायर का मतलब कि मैं ए से बी को मिला दूं, बी से सी को मिला दूं, ये सी पॉइंट मान लो यहाँ पर है,
डी को मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, थोड़ा सा उल्टा सीधा बना, ध्यान से देख लेना, ये एक स्क्वायर की तरह बन रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि स्क्वायर है कि नहीं है, तो स्क्वायर होने का तरीका क्या, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो जरा देखो ए पर कोऑर्डिनेट क्या है, देखो एक्स का 3 है और वाई पर कितना है 4 है, दिख रहा है ना, ये ए का पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स का होता है, ये वाला। तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, दिस इज 3 और ये वाई वाला कितना है 4 है, तो ये 3,4 हो गया। इसी तरीके से बी को जरा देख लें, बी वाला एक्स का कितना है 6 है, तो ये हो गया 6, और ये कितना है इधर, दिस इज 7 हो गया। आप ग्राफ पे देखो, ग्राफ पे ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। यहाँ सी का जरा देखो, सी इज 9, दिस इज 9,4 एंड डी इज 6,1। इसको एक बार देख के वो वेरीफाई कर लेते हैं, दिस इज 3,4 एंड बी इज 6,7 एंड सी इज 9,4 एंड डी इज 6,1। अब इसको हम स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक ही तरीका है कि ए बी जो साइड है, दिस इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, मतलब कि चारों साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। तो चारों साइड आपस में इक्वल कब होंगे, कैसे ये पता चल पाएगा, तो हमें करना क्या पड़ेगा, चारों साइड की तुम्हें अलग अलग डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस निकल जाएगी। चारों की डिस्टेंस अगर इक्वल आ रही है तब इसको स्क्वायर नहीं कह दोगे, या चारों की डिस्टेंस अगर इक्वल आ गई तो तुम्हें पता है कि रोम्बस भी क्या होता है, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, तो रोम्बस भी तो हो सकता है, स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, तो मतलब कि तुम्हें ये पता चल गया कि रोम्बस या स्क्वायर में से कोई एक ना एक है। लेकिन ये स्क्वायर कैसे होगा, तो इसके लिए एक चीज़ तुम्हें और करना पड़ेगा, ये जो डायगोनल्स दिख रहे हैं एसी और बीडी, एसी और बीडी भी आपस में इक्वल होने चाहिए, एसी इज इक्वल टू बीडी, इसके डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। अगर इतनी चीज़ें इक्वल हो गई तो हम कहेंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर इसको फटाफट लिख करके प्रूफ करके आपको मैं शो कर देता हूँ और आप इसको फटाफट सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपको देखो आपको डिस्टेंस निकालना आता है, ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का अलग निकालो, फिर सी डी का निकालो, ए डी का निकालो और इनके डायगोनल्स से निकालो। तो फटाफट डिस्टेंस मैं इन सब का यहाँ पर निकाल देता हूँ, फिर हम फटाफट देख लेंगे कि ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है कि सीधे से करना क्या था, हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला, ये ए बी कहाँ है, जैसे ए बी, ए बी का डिस्टेंस निकाला हमने तो आगे √18। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है मैंने कैसे निकाला था, दिस माइनस दिस 3-6 एंड 4-7 ये कर दिया और इसका स्क्वायर स्क्वायर हुआ, ये +9 हो गया, 9 and 18 हो गया। बी सी की वैल्यू सेम, ऐसे बी सी का डिस्टेंस निकाला हमने, ये डिस्टेंस निकाला, ये किया और इसका भी आंसर आ गया √18 आ गया। इसी तरीके से सी डी की वैल्यू 9-6 का होल स्क्वायर प्लस 4-1 का होल स्क्वायर, 9-6 का होल स्क्वायर प्लस 4-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9-6 मतलब 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 4-1 मतलब 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 18। सिंपल ऐसे ही ए डी के लिए भी काम किया, दिस इज ए डी, ए डी में भी 3-6 का होल स्क्वायर एंड 4-1 का होल स्क्वायर कर दिया, 3-6 कितना होगा -3 हो जाएगा और यहाँ 4-1 3 हो गया, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और हो गया 18। यहाँ फिर हमने क्या किया, ए डी निकल गया, अब बचा यहाँ पर ए क्या हो गया, ठीक है ए डी भी हो गया, ये सारे के सारे निकल गए। अब जरा देखो यहाँ पर ये भी √18, ये भी √18, ये भी √18, ये भी √18, ये सब के सब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी को हम 3√2 भी लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, इसको भी लिख सकते हैं 3√2, इसको भी 3√2, तुम्हारे बुक में कहीं लिखा हुआ आंसर तो कन्फ्यूज मत हो जाना, 3√2 हो सकता है ये। ठीक है, मैंने बताया था क्यों लिख सकते हैं ना, अभी शुरुआत में बता दिया था, इसको भी ऐसे करके निकाल लेना। ये हो गया, अब देखो यहाँ पर ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं, चारों साइड तो आपस में इक्वल हो गए, इसकी भी वैल्यू, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी √18 आ गया, ये भी √18 आ गया, ये भी √18 आ गया, सबके सब √18। डायगोनल जरा देखो, ए सी डायगोनल, ये ए सी डायगोनल है वो कितना आ रहा है 6, मतलब इसकी पूरी लंबाई जो 6 है
और BD की लंबाई भी कितनी है, इसकी लंबाई भी जो है वो 6 है। मतलब कि डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं और चारों साइड भी आपस में इक्वल हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ABCD जो हमारा यहाँ पे डायग्राम है इस जन एक स्क्वायर है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो चंपा चमेली कौन करेक्ट है देख लेना बुक में, किसने कहा था कि ये स्क्वायर है, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसको जरा यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 अपने जरा बुक में देखिए, इस क्वेश्चन को करना सॉल्व आपको ही है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इसका जो आंसर होगा सर्विसेज होगा यहाँ पर डाल दूंगा मैं, इसको जरा समझिए थोड़ा सा, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर दूँ यहाँ पर तो अच्छी बात नहीं है। आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, वहाँ एक स्क्वायर था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवेन है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवेन है आपको और वो कह रहा है कि आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आप क्वेश्चन को जब देखोगे ध्यान से तो देखो जरा, वहाँ पर दिया हुआ है पहले क्वेश्चन है -1, -2, 1, 0, -1, 2, 3, -3, 0। मतलब आपको चार कोऑर्डिनेट्स गिवेन है, तीनों क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल वही होता है जिसके कितने साइड हों, 4 साइड्स हों। क्लियर? अब ये 4 साइड यहाँ पर हो गए। अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको बस ऐसे समझ लो जरा, फिर मैं इसके सॉल्यूशंस को यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूंगा चारों क्वेश्चंस के, उन चारों को आप यहाँ से क्या करना देख लेना और क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते। इतने क्वेश्चन मैंने बता दिया तो इसको तो आप खुद से सॉल्व ही कर सकते हो ना, सिंपल सा डिस्टेंस ही तो निकालना है। अब आपको इन तीनों क्वेश्चंस में क्या किया हुआ है, ABCD 4 क्वाड्रेंट्स गिवन है और जब भी क्वाड्रेंट रखना तो एक सीक्वेंस में रखना, ABCD, यानी कि एक यहाँ रख दिया, AB यहाँ रख दिया, C वहाँ रख दिया, D यहाँ पर, या तो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज रखना। ठीक है, एक सीक्वेंस में 4 क्वाड्रेंट्स गिवन है और आपको कह रहा है कि उन क्वाड्रेंट्स को आपको रखना है और ये पता करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का है। तो आपको मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है मैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ केवल समझाने के लिए बस, तो इसको जरा क्वाड्रेंट्स लिखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, -1, -2, -1, -2 एक क्वाड्रेंट ये हो गया, दूसरा है 1, 0 एंड तीसरा है -1, -2 एंड थर्ड है -3, 0 ये दिया हुआ है। अब ये आपसे पूछ रहा है इसमें कि आपको पता करना है कि आखिर क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है जो क्वाड्रिलेटरल है वो 4 साइड से बना हुआ कोई ना कोई फिगर है, एक शेप है, और क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि ये स्क्वायर हो सकता है ना, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया, हो सकता है कि स्क्वायर ना हो, ये रोम्बस हो, या हो सकता है कि ये रेक्टेंगल हो, ये तो हो सकता है ये रेक्टेंगल हो। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने सेकंड वीडियो में बता रखा है, तो इसको जरा जाके देख लेना एक बार, मैं यहाँ भी वैसे बता दे रहा हूँ। या हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम हो, क्या हो, पैरेललोग्राम, या हो सकता है कि वो ये चारों ही ना हो, केवल क्वाड्रिलेटरल हो, ये भी हो सकता है ना, क्वाड्रिलेटरल भी तो हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ केवल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कोई शेप मान लो ऐसे बन गया, ऐसे है, मान लो मैंने बोल दिया इसमें तो नहीं हो ना, 1, 2, 3, 4, मैंने कहा 4 साइड्स हैं इसके भी, ये ना रोम्बस ना स्क्वायर ना पैरेललोग्राम है, ना काइट है, ना ट्रेपेजियम है, तो आखिर ये है क्या, 4 साइड तो है इसके पास, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, बाकी कुछ हो जाए ना बेचारा, क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। ठीक, अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, जब 4 साइड क्वाड्रिलेटरल गिवेन हो तो आपको एक काम करना है कि एक डायगोनल्स इधर और एक डायगोनल्स इधर ड्रॉ कर लेना है। तो आपको यहाँ पर 4 डिस्टेंस, मतलब कि 6 डिस्टेंस निकालनी, कौन कौन सी, आप पहले AB निकालोगे, ठीक है, किसी किसी वैल्यू में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पहले AB की वैल्यू निकालोगे, AB निकल जाएगा, फिर BC निकालो, फिर CD निकालो, फिर AD निकालो, इसको कर जरूर लेना, मैं सॉल्यूशंस भी यहाँ पर दे दूंगा मैं। इन सबको निकालने के बाद भी और क्या निकालना है, अब ये डायगोनल्स AC की वैल्यू निकालो और डायगोनल BD की वैल्यू निकालो, ये 6 चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी इसमें।
और ये जब निकाल लोगे उसके बाद तुम्हें इन सब की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। और पहली चीज़ अगर ये सब निकालने के बाद ये कुछ और आ रहा है, ये 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, डायगनल अलग कुछ आ रहे हैं, सब उल्टे सीधे नंबर्स आ रहे हैं, तो बोलोगे ये क्वाड्रिलेटरल तो है बेचारा, लेकिन इनमें से कुछ नहीं होगा। ये सब कब होंगे, ये मैंने बताया था, तो इसको कब कहोगे कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है, ऐसा कब बोलोगे? जब हमें पता है कि ए बी, जो इसमें डायग्राम में ए बी दिख रहा है, दिस इज ए बी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, मतलब कि ए बी बी सी सी डी ए डी, मतलब चारों के चारों साइड जब आपस में इक्वल होंगे तो हम इसको स्क्वायर कहेंगे। बिल्कुल गलत। क्यों गलत? वो रोम्बस भी हो सकता है, हमें पता है कि रोम्बस के भी ए बी बी सी सी डी और ए डी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो रोम्बस भी तो हो सकता है ना वो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यस डायगोनल्स, जब इसके डायगोनल्स फाइंड आउट करोगे तो हमारे स्क्वायर का जो डायगोनल्स होगा, डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स हमारा ए सी और बी डी है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा किसमें, स्क्वायर में। लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। मान लो इसमें तीन क्वेश्चंस गिवन है, तीनों अगर किसी क्वेश्चन का ए सी बी डी आपस में इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, उसको रोम्बस बोलोगे, सो नॉट इज स्क्वायर, वो स्क्वायर नहीं है। अब क्या हो गया, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल थोड़ा अलग है, इसमें क्या होता है, हमें पता है कि आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, आमने सामने के साइड इक्वल है, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो आमने सामने के साइड इक्वल हो गए। रेक्टेंगल के आमने सामने के साइड इक्वल होने के साथ साथ रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, सॉरी यहां पर बी डी है, इसको भी देख लेना, बी डी, दिस इज बी डी, ठीक है, क्योंकि बी डी इज डायगोनल्स, तो ये दोनों इक्वल है। ये अब पैरेललोग्राम क्या होगा, आपको पता कि पैरेललोग्राम में भी आमने सामने पढ़ते हो ना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी ए डी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं ना कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी लिखते हैं, कि ए सी बी डी के इक्वल नहीं हुआ। अगर मान लो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि इसमें आमने सामने का साइड आपस में इक्वल है लेकिन डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल देंगे। कहोगे सर पैरेललोग्राम तो हमारा रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, स्क्वायर भी, तो वो तो है ही है, लेकिन जरा देखो, अगर जो है तुमने बोल दिया कि ए बी सी डी आपस में, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू, मतलब आमने सामने के साइड्स आपस में इक्वल हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अगर मैंने कहा कि ए बी सी डी आपस में इक्वल है, ठीक, ए बी सी डी हो गया ना, रोम्बस की बात करोगे, जैसे ए बी सी डी आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल टू बी डी, मैंने कहा कि पैरेललोग्राम जो रोम्बस है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है लेकिन उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है वहाँ पे, लेकिन इसको फिर भी हम पैरेललोग्राम नहीं कह रहे हैं, ये पैरेललोग्राम के एक टाइप्स हैं, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं कहा जा रहा, क्योंकि एक स्पेशल नाम दे दिया कि अगर ए सी और बी डी भी आपस में इक्वल होगा तो हम उसको रेक्टेंगल कहेंगे, पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम कह दोगे तो कोई सोचेगा भाई पैरेललोग्राम भी हो सकता है, फिर वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, फिर वो स्क्वायर भी हो सकता है, फिर रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिर ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन चीज़ों को ऐसे ध्यान से देखना है, इन चीज़ों को समझ लिया, पैरेललोग्राम समझ गए, कब बोलोगे इसको, ये चीज़ें बस जब हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे कोऑर्डिनेट गिवन हो तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर ये चीज़ें आपको याद हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी के लिए इसमें फर्स्ट पार्ट की वीडियो में इतना ही करेंगे हम लोग, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अदरवाइज, नेक्स्ट जितने भी 5-6 क्वेश्चन, अभी करीब 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 कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6-7 रुक जा भाई, 1857 पासवर्ड है मेरा, ये क्वेश्चन नहीं बचे इतने, तो 6 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, 6 क्वेश्चंस हो गए और टोटल आपकी बुक में 10 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा टाइप के थे, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ये बस आपको एक कैलकुलेशन सिखा रहा था कि आपको क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, ठीक है, ये सब लेंदी कैलकुलेशन हैं केवल ना, और कुछ इसमें दम थोड़ी ना है, बस इसको 4 बार निकालोगे, 4 बार इसको, 4 बार इसको, 10 बार, 6-6 बार डिस्टेंस निकालना है तुमको,
तो वो लेंथी है, लेकिन जो सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 इसके जो सॉल्यूशंस हैं तीन क्वेश्चंस के, उसको मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दे दूंगा, आप छाप लेना उसको, आप देख लेना उसको। आई होप कि आप लोग कर भी लोगे, आपको छापना क्यों है, आप खुद ही से कर लोगे। और जो सिक्स के बाद 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चंस, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ दिमाग भी आपको उसमें लगाना है, कुछ इक्वेशंस भी बनाने हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी वहाँ पर बनेंगे, कुछ लीनियर इक्वेशंस भी बनेंगे वहाँ पर, एक इक्वेशन के फॉर्म में उन चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस की वर्डिंग्स क्या है, कैसे चीज़ों को हम कैच करते हैं। डिस्टेंस वहाँ भी निकालना है, लेकिन थोड़ा सा समझ करके, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं, तो वो भी आसान है, बहुत डिफिकल्ट थोड़ी ना है कि मतलब कि डरा नहीं रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।